हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर वेरी वेल। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज की भजिया। यस गाइस, बारिश का मौसम है तो भजिया तो बनानी बनती है। आज मैं इसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाकर बताऊंगी, जैसे हम मार्केट से लेकर के आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसका स्वाद भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो चलिए भजिया बनाना शुरू करते हैं। भजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 हरी मिर्च लिए, और ये चाकू की मदद से मैं ये सब्जियाँ काट लूँगी। कुछ मसाले देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। भजिया बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लेंगे, और भजिया फ्राई करने के लिए यहाँ पे 1 कटोरी तेल लेंगे। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। अब एक प्याज हम लेंगे, इसके मैं 2 पार्ट करूंगी और इसे पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस में हम इसे काट लेंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में भी इसी तरीके से काटा जाता है। ये जो स्लाइस है ना, ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा पतले होने चाहिए, कुछ इस तरीके से जैसे मैं काट रही हूँ, बस इस तरीके से। और आप काट लीजिए सारे प्याज को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी प्याज काट के रख ली हैं। इस तरीके से हमें काटना है और बस इसे हम अच्छे से मसल लेंगे। और ये जो मैंने 2 मिर्च ली थी, उसे भी बारीक बारीक काट लिया है। मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें मैं अपनी सारी प्याज को डाल दूँगी और इसे अच्छे से मसल मसल कर सारे जो स्लाइसेस हैं उन्हें अलग अलग कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, हाथों की मदद से अच्छे से दबा दबा कर इसे अलग कर लेना है। अच्छे से मसल कर सारे स्लाइस को आप अलग कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, स्लाइस अलग होने लगे, बस आपको इसी तरीके से दबाकर अलग कर लेना है। बहुत आसानी से ये हो जाते हैं अलग। और ये देखिए, सारे टुकड़े अलग अलग हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले मिला देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें मिलाऊंगी जो मैंने हरी मिर्च काट कर रखी थी, 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। और यस गाइस, अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो आप उसे भी ज़रूर डालिएगा, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला। यहाँ पे हम डाल देंगे जो हमने सूखे मसाले लिए थे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच अजवाइन, और सबको हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच तेल, ये हल्का गरम तेल है, इसे भी हम मिलाएंगे। इसमें डालकर अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिला देंगे प्याज के साथ। देखिए सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब हम इसमें बेसन मिलाएंगे। पहले मैं इसमें 3 बड़े चम्मच बेसन मिलाऊंगी और उसके बाद फिर जो बचा हुआ बेसन है उसे हम बाद में मिक्स कर लेंगे डालकर। इससे मिक्स करने में आसानी होती है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। आप चाहें तो एक बार में ही डाल सकते हैं, ये देखिए। और जो अब बचा हुआ बेसन है, इसे भी मैं अच्छे से डालकर मिक्स कर लूँगी। अब इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। और मेरा जो बैटर है वो थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, तो इसमें मैंने 2 चम्मच पानी डाला हुआ है। आप अपने बैटर के हिसाब से डालिएगा अगर आपको लग रहा है, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है तो प्याज में से जो पानी है वो रिलीज़ हुआ है, इसलिए अगर आपको लगता है कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत है तो आप और भी पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 चम्मच ही पानी डालना पड़ा अपने बैटर में, और 2 चम्मच इनफ है, इससे ज़्यादा आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने अच्छे से बैटर को मिक्स कर लिया है। अब हम प्याज की भजिया बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उस पर मैं डाल दूंगी तेल, अब जो मैंने 1 कटोरी तेल दिया था, मस्टर्ड ऑयल, और इसे हम हाई हीट पे अच्छे से गरम कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो गया है। अब हमने जो भजिए का बैटर बनाया था, बस इसमें हम भजिया डाल देंगे। और इसे हम अनइवन साइज़ से बनाएंगे, इसका कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में भी ऐसी ही भजियाँ मिलती हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, कुरकुरी बिल्कुल। और जो भजिया है वो हमें लो मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है, याद रखिएगा। जो तेल है वो हम हाई हीट में गरम करेंगे, हाई फ्लेम में गरम करेंगे, और भजिया को हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। इसे लो फ्लेम में फ्राई नहीं किया जाता, नहीं तो जो भजिया है पूरे तेल को पी लेंगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ही देर में मेरी भजिया जो है अच्छे से बनकर फ्राई हो गई है, और इसे मैंने अच्छे से अलट पलट कर फ्राई कर लिया था। बस हमारी भजिया फ्राई हो गई है यहाँ पर, और मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। ऐसे ही मैं सारी भजिया फ्राई कर लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए मैंने दूसरा बैच भी डाल लिया है, और इसे भी मैं अच्छे से अलट पलट कर सेक लूँगी और इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारी सारी भजियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। ये जितनी अच्छी देखने में लग रही हैं फ्रेंड्स, उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी हैं खाने में। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं नए वीडियोज़ डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।